नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। प्लान कर रहे हैं टू व्हीलर लेना है, लेकिन कंफ्यूज हैं कि स्कूटर लें या स्कूटी लें या बाइक लें। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, कुछ हम टॉप 6 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। तो भाई ऐसा है कि घर में बेटी बोल रही है कि पापा स्कूटी लेनी है, लड़का बोल रहा है कि बाइक लेनी है, तो बीच का रास्ता हम आपको निकालते हैं और बताते हैं स्कूटर या स्कूटी या बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करें कि आज के टाइम पे स्कूटी या स्कूटर कॉमन हो चुका है कि आप फैमिली में कोई भी मेंबर उसको चला सकता है। यानी अब ये कंफ्यूजन नहीं है या एक टैग लगा नहीं है कि जो स्कूटी या स्कूटर है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है या वुमेन्स के लिए है। भैया ऐसा है कि उसको मैन भी चला सकते हैं और आजकल धड़ल्ले से बिक रहा है और हर कोई चला रहा है। यानी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आदमी हो या औरत हो, हर कोई उसे चला रहा है। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्कूटर ज्यादा कंफर्टेबल है या बाइक। तो पहली चीज है कि जो लोग लोकल में राइड करते हैं यानी शॉर्ट राइड करते हैं, उनके लिए स्कूटर ज्यादा बेटर है। क्योंकि शॉर्ट राइड में आप ये समझिए कि अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आपको ना गियर का यूज करना है ना क्लच का यूज करना है, और आपको सीधे जो है उसमें थ्रॉटल यूज करना है यानी एक्सेलेरेटर यूज करना है और ब्रेक यूज करना है। लेकिन बाइक में क्या है कि आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको गियर भी शिफ्ट करना पड़ता है, आपको क्लच का यूज भी करना पड़ता है और ब्रेक वगैरह तो यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी को ज्यादा पेन लेना पड़ता है। बाइक या स्कूटर में दोनों में कंफर्टेबल की बात करें तो स्कूटर कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो लॉन्ग राइड में बाइक कंफर्टेबल है, क्योंकि बाइक का हैंडल है वो आप सेट करा सकते हो। अगर मैं बात करूं 100cc या 110cc या 125cc, इसमें क्या है कि आप हैंडल अपने अकॉर्डिंग सेट करा सकते हो जिसकी जिस हिसाब से हाइट है। लेकिन स्कूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक फिक्स होके आता है वैसा ही रहता है। तो अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करें बाइक को, और अगर आप शॉर्ट राइड करते हो लोकल में चलते हो तो फिर आप प्रेफर करो स्कूटर को। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला पॉइंट है रिलायबल। तो हम किस पे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं या विश्वसनीय कौन सा है, स्कूटर है या बाइक है? तो आप आंख बंद करके बाइक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग राइड करते हैं तो आप बाइक के ऊपर आराम से भरोसा करिए, और बाइक इतनी जल्दी धोखा नहीं देगी जितनी जल्दी स्कूटर दे सकता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि जो स्कूटर का इंजन और बाइक के इंजन में दोनों में अगर हम बात करें तो आप 80,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक अगर आप बाइक चला भी लेते हैं तो तब जाके इंजन खुलता है। और वहीं अगर हम स्कूटर की बात करें तो 50,000 से 60,000 किलोमीटर के बीच में स्कूटर खुल जाता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ में ये चीजें आ जाती हैं। आप अगर लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो जो स्कूटर का इंजन होता है या स्कूटी का इंजन होता है वो जल्दी हीट करने लगता है एज कंपेरिजन टू बाइक, और बाइक को आप ज्यादा देर तक यानी आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं और स्कूटर में आपको रुकना पड़ सकता है। अगर इसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो ऐसा है कि स्टोरेज के मामले में स्कूटर बहुत आगे निकल जाता है और बाइक बहुत पीछे रह जाती है। या हम ये कह लें बाइक में स्टोरेज के मामले में कुछ नहीं होता है, लेकिन स्कूटर में आपको ढेर सारा स्टोरेज मिल जाता है। आपको बूट स्पेस भी मिलता है, लेग स्पेस के पास में भी काफी स्पेस मिल जाता है, आप सामान रख सकते हैं। या जो फैमिली मैन है या जो फैमिली लेडीज जो अगर मार्केट से कुछ भी लेने जाना होता है तो वो बूट स्पेस होता है उसमें रख सकती है। आगे जगह होती है जिनको गैस सिलेंडर वगैरह रखना होता है या सब्जी वगैरह लानी होती है वो आगे रख सकते हैं। या आप कहीं जाते हो और आप चाहते हो कि आपका सामान सेफली स्टोर रहे तो आप बूट स्पेस के अंदर रख सकते हो, लेकिन बाइक में ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको कहीं जाना है या तो आपको कैरी बैग लेना पड़ेगा या बैग लेना पड़ेगा तो ही आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज के मामले में स्कूटर बहुत आगे निकल जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े माइलेज। अगर माइलेज की बात करें तो जमी फ्यूल इकोनॉमी है वो स्कूटर की उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी बाइक्स की होती है। बाइक्स में अच्छा खासा माइलेज निकलता है। इंडिया में ऐसी कई सारी बाइक्स हैं जो 70-80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हैं, लेकिन स्कूटर की बात करी जाए तो बहुत ही रेयर केस में स्कूटर जो है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है, और ये मान के चलिए 50 के नीचे ही ज्यादातर स्कूटर्स माइलेज देते हैं। तो अगर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज बाइक ज्यादा अच्छी देती है, ये स्कूटर माइलेज कम देता है। अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े, अगला पॉइंट है प्राइस। तो प्राइस की बात करें तो लगभग स्कूटर और बाइक का प्राइस लगभग बराबर ही होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा अगर कई सारी जो बाइक्स इंडिया में आती हैं 110cc या 125cc और स्कूटर की, इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो स्कूटर थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है एज कंपेरिजन टू बाइक। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर स्कूटर में ज्यादा मिल जाते हैं, इस वजह से स्कूटर जो है थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और बाइक थोड़ी सी सस्ती होती है। बात करें तो अगला पॉइंट
डिफरेंट है मेंटेनेंस। तो अगर हम बाइक और स्कूटर में कंपैरिजन करें तो स्कूटर जो है वो ज्यादा मेंटेनेंस लेता है इन कंपैरिजन टू बाइक। और अगर आप मान के चलिए अगर आप 50,000 किलोमीटर आप चलाते हैं बाइक को और 50,000 किलोमीटर आप चलाते हैं स्कूटर को, तो जो स्कूटर है उसके पार्ट्स जो है आपको जल्दी जल्दी चेंज कराने पड़ेंगे, और जो बाइक है बाइक में जो है मेंटेनेंस कम होता है, उसके पार्ट्स भी सस्ते आते हैं और सस्ते में काम हो जाता है। यानी अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो स्कूटर ज्यादा मेंटेनेंस लेता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो टॉप टू व्हीलर की जो लड़ाई रहती है वो हमेशा स्कूटर और बाइक के बीच में रहती है। तो कभी स्कूटर नंबर वन पे हो जाता है टॉप सेलिंग में और कभी बाइक नंबर वन पे हो जाती है। यानी मैं आपको बताऊं कि कभी स्प्लेंडर नंबर वन पे हो जाता है सेलिंग में, तो कभी एक्टिवा हो जाता है सबसे ज्यादा टू व्हीलर इंडिया सेल में। तो यानी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लोग सिर्फ एक तरफ भाग रहे हैं, लोग स्कूटर भी प्रेफर कर रहे हैं और बाइक भी प्रेफर कर रहे हैं। बस ये है कि आपकी जरूरत क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।